गला दबाकर हत्या कर दी और हत्या कर आरोपी पति मौके से फरार हो गया। जैसे ही पड़ोसियों की घटना की खबर मिली उन्होंने तत्काल पुलिस को अवगत कराया। घटना पर पहुंची पुलिस ने मृतक महिला के शव को अपने कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। मृतक महिला के परिजनों का कहना है कि रेखा की शादी को अभी 9 साल ही गुजरे थे कि दोनों पति पत्नी में आए दिन विवाद होने लगा था, जिसके चलते रे ग्वालियर में रहकर मजदूरी करके वो अपना गुजर बसर कर रही थी। हाल ही में उसका पति उसे ग्वालियर से डबरा ले आया और बीती रात दोनों के बीच फिर विवाद हुआ और आरोपी पति राम अवतार पाल ने रेखा का गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। क्या कारण रहा है कि इनके घर में लड़ाई होती थी तो है ना जी लड़ते थे तो लड़के जी ग्वालियर चली गई तो ग्वालियर हमने जी हमसे कह रहे तुम्हारी बहन भग गई है तो हमने कही बहन भग गई तो हमने फ़ोन लगाया मैंने कहाँ गई है तो वो बोल रही थी मैं तो यहाँ पर झाड़ू पहुँचा करती हूँ यहाँ पर मैं अपने मोड़ी मन का पेट पाल रही हूँ तुम अपने घर रहो मैं अपने घर जी मेरे को मारते हैं इनने मेरे पर करंट डाला पहले करंट डाला फिर करंट में फिर हम पहुँच गए तो हमने बचा बचू ले खेरी अमरपुरा खेरी गांव में रेखा पाल को उसके पति द्वारा गला दबा के हत्या कर दी है। ये पति पत्नी का आपसी विवाद था। वो अभी गांव से बाहर रह रही थी, ग्वालियर रह रही थी, मजदूरी कर रही थी। कुछ दिन पहले ही पति उसको 5-6 दिन पूर्व ही लेके आया था। इनका आपसी विवाद था, उसने गला दबा दिया।